नवीन तुम्हारे साथ शादी करे? मेरे को शादी नहीं करनी तेरे साथ। मेरे साथ में हिरण नहीं है और आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज क्या होने वाला। तो मेरे दिमाग में ना बहुत खुराफाती वाला आइडिया आया है। हिरण नीचे लंच कर रहा है और हिरण ने मुझे बोला था कि तू रेडी होकर के नीचे आ जाना, साथ में लंच करना। बट मैं नीचे नहीं गई, कॉज मुझे यहाँ पे ये इंट्रो शूट करना था और मुझे यही मौका मिला था हिरण के स्टूडियो में कैमरा छुपाने का। और फिर हिरण ऊपर आएगा और मैं हिरण को करने वाली हूँ शादी के लिए प्रपोज, जिसके लिए हिरण बरसों से वेट कर रहा है। बट उसका रीजन सुनकर है ना हिरण इतना लाइक उसके वक्त बदल जाएंगे, जिस बात बदल जाएंगे, बिकॉज उसका जो रीजन है ना वो आपको भी नहीं बताने वाली, बिकॉज आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। और हिरण पहले तो सुपर डुपर वाला खुश हो जाएगा क्योंकि उसकी बरसों की तमन्ना पूरी होने वाली है। बट जब रीजन बताओगी ना तो उसके पैरों तले की जमीन हट जाएगी। मैं कुछ ज्यादा बकवास कर रही हूँ तो बकवास बंद कर दूँ और मैं जाकर के सेटअप कर देती हूँ कैमरे का और मैं ऊपर वेट करती हूँ हिरण के आने का। अगर आप चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल, लाइक द वीडियो एंड डू कमेंट। हिरण को ट्विटर पे भी फॉलो कर लेना और इंस्टाग्राम पे मुझे और हिरण को फॉलो कर लेना, हमारे बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और मेरे को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो पे जाते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। A few moments later, सो सब सेट हो गया है, अब हम फिट करेंगे हिरण के आने को। Much later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Oye, kya kar rahi hai? Aise baithi hui thi, pichhe dekh rahi thi. Maine bola tha lunch ke liye niche aana. Are wo kuch important baat karne aur bhook nahi thi, wo baat jab tak nahi. Tumse bolti hai na main niche baitha hua tha khana khane ke baad. Mere ko bahut important baat hai. Mobile bhi upar pada hai. बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी जिसकी वजह से मैं कहाँ बैठूंगी? अरे वहाँ बैठ, मैं खींचना पड़ा, मुझे पर बात करनी है। अरे करता हूँ ना, मेरे को बैठने तो दे, इधर बैठ जाए, काम कर। नहीं मैं इधर बैठ, मेरे को नहीं पता, अच्छी बात तो बैठना, अभी करता हूँ बात, मूड स्पॉइल मत करना, यहीं खड़ा हूँ, बोल। ओके, आर यू रेडी? काय के लिए? मैं कोई बताने वाली इम्पोर्टेंट चीज जो बरसों से तमन्ना थी, मतलब जिसका तू चाहता इंतजार, वो घड़ी आ गई, आ गई। हो गया? बोल क्या मैं बोलना है। ओके, अंकिता एक्साइटमेंट कंट्रोल कर, हिरण के रिएक्शन देख रहे हैं अपने को। जल्दी बोलेगी, बहुत ज्यादा चिल्लाना मत, ठीक है? मतलब मैं जो चीज बोलने वाली हूँ उसके लिए चिल्लाना मत। ऐसा तो क्या करने वाली, रिएक्शन दे रहे हो मुझे देखने लायक है, पर चिल्लाना मत, मुझे गुस्सा आने वाला वैसी कोई बात है नहीं। तो बरसों से लंबा लंबा क्यों खींचे, पॉइंट पे आना। ओके मिस्टर हिरण अमीन, क्या तुम अंकिता मिश्रा से शादी करोगे? हिरण सीरियसली, तो मजाक कर रही है मेरे को मालूम है। मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियस हूँ। अचानक क्यों? होते यार, मैं देखो बहुत, मेरे को डाउट आ रहा है, तो ऐसे ना कर, ऐसे चड्डे में घर पे रहकर तो ना कर, मेरे को मालूम है। वही तो बोले, चड्डे में घर में हूँ, मैं घर के कपड़े में हूँ। तो तू सीरियस है? हाँ मैं सीरियस हूँ। देख मेरे को नहीं पता तू मजाक कर रही है सीरियस है, पर अगर तू सीरियस है तो ऑब्वियसली मैं तो तैयार, मैं तो बोला जब तू बोलेगी तो रिएक्शन है, हद है, तो क्या और क्या करूँ, मेरे को अभी भी कंफ्यूजन है। पीले थे ना उसके कुछ महीनों से, तू तो रेडी है शादी के लिए। मेरे को अभी भी कंफ्यूजन है, इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा है अभी कभी भी अचानक तू बोलेगी आप मेरी रिएक्शन देखने दे, मुझे पता है रिएक्शन दे तो फिर चप्पल खोल के चढ़वा लेके मारू खुद को, मैं इतने ठंडे रिएक्शन, मेरे रिएक्शन इससे ज्यादा क्या आएंगे, मेरे को अभी डाउट है इसलिए। देख मेरे को है ना एक सच में बता दिया, अपना दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से पहले फ्रेंड्स है, ठीक है? तो अपने लोग एक दूसरे से ट्रांसपेरेंट रहने का डिसाइडेड था, बराबर। तो एक्चुअली मैं ऐसे बैठी हुई थी और बरसों से देखो बताना है मेरे को, मैंने मॉडलिंग नहीं की हुई है, मुझे मॉडलिंग की फील्ड में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, देखो पता है ना ये चीज अपने उसी रीजन। अरे तू जो बोल रही है मुझे सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि मैं अभी भी वो फेज में हूँ। मैं देखो मिली थी उस पोर्टफोलियो के लिए, मिली थी तेरे साथ में, ठीक है? बहुत सारे मॉडलिंग के वर्क भी किए हुए, देखो पता है। पॉइंट पे आना, तो मैं बैठी अभी शादी के बाद मॉडलिंग से कहाँ कनेक्टेड है, कनेक्टेड है इसलिए बता रही हूँ मैं।
पहले से मिस इंडिया बनना था मेरे को, मिस यूनिवर्स ऐसा बनना था मुझे, ठीक है। बट अब तो लाइक 18-19 साल की लड़कियां फटाफट ले लेती है और मैं 18-19 की तो हूँ नहीं, ठीक है। तो मेरे पास एक ऑप्शन 5 साल वाली है ना, हाँ बोल। तो है ना, मैंने ऐसा सोचा कि मैं मिसेस इंडिया में पार्ट लेती हूँ, मेरी एज तो कम ही है, मिसेस इंडिया के हिसाब से तो मेरी एज काफी कम है, ठीक है। तो मैं तेरे साथ शादी कर लूंगी तो मैं मिसेस हो जाऊंगी, और मैं मिसेस हो जाऊंगी तो मिसेस इंडिया में पार्ट लूंगी, और मैं जितने ही वाली हूँ क्योंकि उन लोगों के साथ मेरा अच्छा ही है, मैं थोड़ा बहुत फिगर विगर पे और थोड़ा बहुत मेरे ऐसे मैच्योर बनने की एक्टिंग करनी पड़ेगी जो उन लोगों के सामने मैं कर लूंगी, और मैं क्यूट तो हूँ और अच्छी तो हूँ, तो मैं मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट करना है जिसके लिए मुझे मिसेस बनना पड़ेगा, और मिसेस बनने के लिए मुझे शादी करनी पड़ेगी। तेरे से अच्छा ऑप्शन क्या है? मेरे से अच्छा ऑप्शन मतलब तेरे से क्या नहीं है? तू करना ही था ना, तो पहले मुझे एक चीज क्लैरिफाई कर, तेरा मन है रिलेशनशिप के लिए और फ्यूचर में साथ में रहने के लिए, इसलिए तेरे को शादी करनी है क्योंकि तेरे को मिसेस इंडिया में पार्ट लेना है, इसलिए तुझे मिसेस बनना पड़ेगा, इस वजह से शादी करनी है? क्लियर बोल, सच बोलना। मुझे मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट करना, शादी तो करनी ही थी ना, पर मैंने नहीं थे नहीं। मैंने डिसाइड ऐसा किया था, अरे पहले मेरे बात सुन, अपने लोगों ने डिसाइड किया था अपने शादी का, तू तो बोला था तू जब रेडी है तब बोला है, ठीक है, बोलना था वो क्या शादी कर लेगा। मैंने ये नहीं बोला था कि जब तू मिसेस इंडिया बनने के लिए तैयार हो तब मेरे को बोलना, मेरे को तब शादी करनी थी कि जब अपने दोनों अपने शादी का खर्चा उठा पाए, राइट। हाँ तो बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने को फ्यूचर में कुछ आगे करना चाहिए, मैं मिसेस इंडिया तो अपने फ्रेंड ग्रुप में वहां से सोच रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड मिसेस इंडिया, मिसेस वर्ल्ड, मिसेस यूनिवर्स बन जाओगी। हो गया, मेरे को अभी भी क्लियरली बोल रहा हूँ मैं, देखो तेरे को ये कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने के लिए शादी करनी है। हाँ बेबी, शादी तो कर रही हूँ ना, तो शादी करने तो मिल, तेरे को कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने के लिए शादी करनी है, वरना अगर वो ऑप्शन नहीं होता अवेलेबल तो तू अभी भी सारा अपनी चीजें घर का सारा सॉर्ट आउट करके और ये सारा सॉर्ट आउट करके फिर करती। हाँ या ना? हाँ या ना? तो अच्छा, हाँ या ना? हाँ भले, हाँ या ना? तुझे शादी से मतलब था? मैं एक सेकंड, मैं कोई ऑब्जेक्ट हूँ? मुझे क्लियरली बता, मैं ऑब्जेक्ट लग रहा हूँ तेरे को? मेरे को शादी से मतलब था, मतलब क्यों था? मतलब रिलेशनशिप है, पसंद करता हूँ तेरे को, फ्यूचर साथ में बिताना चाहता हूँ। एक सेकंड, मेरा दिमाग मत खराब कर, ये चीज मैंने तेरे को आके बोली होती कि कोई रियलिटी शो मिला है जिसमें सिर्फ मैरिड कपल जा सकते हैं और इसलिए मुझे शादी करनी है, वरना शादी के बिना आपने नहीं जा सकते, तो चलता तेरे को नहीं। मैं जब रखता हूँ मेरा दिमाग का मत कर अंकिता, गाली है ना बोल, तू हर टाइम गुस्से में गाली बकता रहता है, गाली बिना भी बात हो सकती है ना? नहीं होती मेरे से। क्यों नहीं होती? मेरे को गुस्सा आता है तब मैं बोलता हूँ। क्यों आता है तो मेरी मर्जी, क्यों आता है गुस्सा आने के लिए? ठीक है चल, अब एक काम कर, मैं अभी जो भी बोला ना वो सब चीजें बोल जाए, ठीक है? ओके हीरे नवीन, अभी जो कुछ भी बोला वो सब बोल जाए, तू मेरे साथ शादी करेगा? हाँ तो कॉम्पिटिशन में पार्ट मत लेना। मैं ऐसा नहीं होता यार, मुझे कैसे पता चलेगा उस वजह से तू नहीं कर रही? मुझे पार्ट लेने के लिए मैं तो प्रॉब्लम ही नहीं, तू ले पार्ट, पर आप तो बोला शादी करो, कर ले नहीं, अगर ऐसा होता करना है कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए। हाँ है ना, आ गई ना? हाँ मैं तेरे को सच बोल रही हूँ, उसमें भी तेरे को प्रॉब्लम है, दिमाग की मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं भी मजाक नहीं कर रही, अभी होता ना मजाक तो हंसने लगती। मेरे को नहीं करनी, नहीं करनी, कर मेरे को शादी नहीं करनी, मेरे को शादी नहीं, एक बार मिसेस इंडिया, मतलब सिर्फ मिसेस इंडिया बनने के लिए शादी कर, उसके बाद अलग हो जाएंगे सर। नहीं मुझे, पागल है क्या? क्या बकवास कर रही है सुबह सुबह? ये दिमाग खराब है तेरा, क्या बात कर रही है, किससे बात कर रही है, क्यों कर रही है, समझ में नहीं आ रहा है, हर चीज बजा करती है तेरे को। चल मैं बोल रहा हूँ अभी तेरे को, देखो ऐसे गर्लफ्रेंड रहना तो रहे, नहीं रहना तो मत रहे, मेरे को शादी नहीं करनी तेरे साथ, मतलब इंसान से शादी करनी नहीं है मेरा, बस में रिलेशनशिप में ना रखो अगर पसंद ना करूं तो। देखो मतलब मैं नहीं, तू है, तेरी है हरकत, सब चल गया, नीचे आके बैठ गई थी प्रपोज करने के लिए क्योंकि देखो कंपटीशन में पार्ट लेना है, तेरा मेकअप का सामान हूं खोल के निकाला लगाया और फिर बोले चलो हो गया मेरा काम, दो डालो। सॉरी बट मैं तुम्हारा फ्रेंड बताया जो भी चीज, मैं तेरा दोस्त भी नहीं हूँ, मैं तेरा बॉयफ्रेंड भी नहीं हूँ, मैं तेरा कुछ नहीं हूँ, देखो कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना है, जाके किसी से शादी कर ले, उसको डाइवोर्स दे देना, ठीक है? मेरे साथ ऐसा वर्क करते मत कर, इंडिया में है,
अमेरिका में नहीं बैठी तू, के मतलब हो गया हाँ ठीक है ग्रीन कार्ड ले लो, ये कर लो, डाइवोर्स कर लो। मेरे को भी आते गंदे वाली गालियां। मैं कितने साल से देखो जानता हूँ, 10 साल हो गए। 11 चल रहे हैं ठीक है, इतने टाइम में कितने किसी भी इंसान ने शादी कर ली होती? शादी तो कर लेते हैं। मैं फिर भी वेट कर रहा हूँ कि तू तेरा सारा सॉर्ट आउट कर ले, उसके बाद करते हैं। आया ना तो देखो ऐसा लगता है 10 साल में मेरे को नहीं मानू कि तू करके आया ना, मेरे साथ प्रैंक कर रही है। कहाँ रखा है क्या मेरा? मिशी शिंदे शिंदे तू इतना बिलीवेबल करने के लिए नीचे घुटनों तक आ सकती है अगर, तो उतना तो चलता है। नहीं करते, नहीं बताऊंगी। देखो क्या मेरा काया बोल दे, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। मैं नहीं बोलूँ, फिर थंबनेल कैसे करेगी? एक सेकंड वापस से, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक कमेंट मिलो, वीडियो को शेयर कर देना, इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फॉलो कर लेना, बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ट्विटर में ब्लू टिक भी आ गया है, और क्या करने का है, इसकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और बोल भाई इधर चल रहा।